मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जी हां, शाम 6 बजे कलेक्टर्स के साथ करेंगे वीसी। सभी जिलों के एसपी और संभागीय आयुक्त मौजूद रहेंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी वीसी में होंगे शामिल। सीएम कोरोना संक्रमण के मामलों और लॉकडाउन का भी वे अपडेट लेंगे। तो शाम 6 बजे यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी करेंगे कलेक्टर्स के साथ। और खास तौर से सबसे बड़ी बात है कि आगे क्या रणनीति अपनानी है, 3 मई के बाद क्या रणनीति अपनानी है, उसको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। जिलों के एसपी और संभागीय आयुक्त इस दौरान मौजूद रहेंगे। शाम 6 बजे ये वीसी होगी। तो चलिए, इस वक्त हमारे संवाददाता पिंटू सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, यहां पर शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और निश्चित तौर पर जो 3 मई के बाद जो रणनीति है वो अपनाई जानी है राज्य सरकार की तरफ से, उस पर चर्चा तो होगी। इसके अलावा किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है कोरोना को लेकर ही? देखिए, जिस प्रकार से लगातार कोरोना का मामला प्रदेश में बढ़ रहा है, उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। तमाम जो कंट्रोल रूम के अधिकारी हैं और जो वॉर रूम बनाए गए हैं जिलों में, उनका फीडबैक खुद सीएम अशोक गहलोत लेते हैं, उनसे बात करते हैं। जो जिलों के जो जिला कलेक्टर हैं, एसपी है और जो संभागीय आयुक्त हैं, उनसे पल पल की अपडेट लेते हैं। उसी दौरान आज शाम 6 बजे वो तमाम जो जिलों के कलेक्टर्स हैं उनके उनसे वीसी करेंगे। उनके जो जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं, संभागीय आयुक्त हैं, उन सब लोगों से, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, उन तमाम लोगों से जुड़ेंगे। और अब तक का जो कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनके रोकथाम के लेकर जो जिलों में जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी जानकारी लेंगे। साथ ही जो लॉकडाउन में जो हालात हो रहे हैं उनका भी जायजा लेंगे। और ये फिलहाल जो मामला, जो श्रमिक, प्रवासी श्रमिकों का मामला था, जिस प्रकार से शेल्टर होम लोग भिजवाया गया और जो दूसरे राज्यों से जो राजस्थान के जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी जो वापसी हो रही है, उनको लेकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन की तैयारी है और क्या सावधानियां बरती जा रही है, उनको लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही में जो लॉकडाउन 2 है वो 3 मई को समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में क्या अब आगे की रणनीति होगी उसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन जो आगे बढ़ाया जाएगा और किन किन इलाकों में रियायत दी जा सकती है, क्या रियायत दी जा रही है। और साथ ही जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जो इंडस्ट्रीज में काम किया जा रहा है, काम शुरू हो चुका है, उनका भी फीडबैक लेंगे कि क्या सावधानियां वहां बरती जा रही है, नहीं जा रही है, और आगे कितनी जल्दी से जो दूसरे तमाम जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो अब तक का जो मामला है, चाहे कोरोना संक्रमण के मामले हो, चाहे जो पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की पालना के हो, उन तमाम चीजों का फीडबैक लेंगे और जो 3 मई को जो लॉकडाउन की अवधि पूरी हो रही है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पिंटू। तुम्हारे संवाददाता पिंटू सिंह नरू का ही हमें ताजा अपडेट दे रहे थे कि शाम 6 बजे यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत तमाम कलेक्टर्स, एसपी और संभागीय आयुक्त के साथ वीसी पर चर्चा करेंगे और 3 मई के बाद क्या रणनीति अपनानी है राज्य में उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी।